नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, भारतीय अमृत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार प्रसाद ने कांग्रेस विधायक रामचंद्र दांगी पर जान से मारने का आरोप लगाया है। सुशील कुमार प्रसाद ने बताया कि रामचंद्र दांगी द्वारा गुंडे भेजकर उनके ऊपर हमले कराए गए। इसके साथ ही उन्हें कॉलेज में भी गुंडों द्वारा हमले कराकर उन्हें अपमानित किया गया। इतना ही नहीं, 20 अप्रैल की शांति समिति की बैठक में भी SGM द्वारा उन्हें बुलाया गया। इस दौरान विधायक दांगी और उनके समर्थकों ने उनसे अपशब्द कहे और उन्हें अपमानित कर उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, जिससे उन्हें गहरा आघात हुआ है। उन्होंने कोर्ट पहुंचकर विधायक रामचंद्र दांगी के खिलाफ मानहानि का केस लगाया है और उम्मीद है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं सुशील कुमार प्रसाद के वकील अनिल नामदेव ने बताया कि उनके क्लाइंट को विधायक द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि वह एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, वहीं आगामी दिनों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके डर से विधायक उनके ऊपर जानलेवा हमला करा रहा है। मैं डॉक्टर सुशील कुमार प्रसाद, भारतीय अमृत पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और क्राइस्ट कॉलेज का चेयरमैन हूं। ये 2023 की इसी वर्ष की अभी अप्रैल की घटना है, 20 तारीख की, जो वहाँ के लोकल कांग्रेस के विधायक है रामचंद्र दांगी, उनको पिछले कई वर्षों से मेरे से, क्योंकि मैं भी प्रत्याशी हूँ, वो भी चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो 2019 में मैं लोकसभा राजगढ़ से चुनाव लड़ा हूँ और उसके बाद जो उपचुनाव थे ब्यावरा विधानसभा, वो भी मैं लड़ा हूँ और इन्होंने काफ़ी पहले भी विरोध किया था, लेकिन 20 तारीख को इन्होंने एक असंवैधानिक घटना चक्र को अंजाम दिया। इन्होंने कुछ गुंडे बदमाशों को मेरे कॉलेज में भेज के मेरे ऊपर हमला कराने की कोशिश की और इनके पूरे षड्यंत्र के तहत उन स्टूडेंट्स ने आके यानी हमारे ऊपर गाड़ी तोड़ने की और जो कांच की बोतलें फेंकने की भी उन्होंने जो एक कृत्य किया वहाँ पर, आपराधिक काम को अंजाम दिया है, जिससे कि पूरा स्टाफ वगैरह सब डर गए थे। उसके बाद अचानक क्या होता है कि SDM ब्यावरा जो त्रिपाठी जी हैं, उनके ऑफिस से मेरे पास फोन आता है कि आप तुरंत आके मिलिए और बार बार दबाव देने लगे कि आप आइए तुरंत। और जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे शांति समिति की बैठक चल रही थी, क्योंकि एक दिन के बाद ईद थी और कुछ यानी त्यौहार भी थे, तो शांति समिति की बैठक में उन्होंने अचानक मेरे साथ, जो रामचंद्र दांगी विधायक है, उन्होंने बड़ी बदतमीजी पूर्ण मेरे से बात की, अपशब्द बोले, गाली गलौज किया मेरे साथ और पूरे शासन प्रशासन के सामने, जबकि वहाँ SDM और लोकल पुलिस दोनों थाने की बैठी है, CMO, नगर पालिका, तहसीलदार और अन्य पार्टियों के लोग बैठे थे और वहाँ पे जो अनचाहे कुछ यानी गुंडा प्रवृत्ति के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और उनके सामने ही आने ये सब आरोप प्रत्यारोप किए गए और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई, और जिसकी वजह से मेरे को मानहानि हुई है, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से मैं कॉलेज रन कर रहा हूँ, मेरी एक बहुत अच्छी छवि है और मैंने बहुत ही वहाँ पे साक्षरता में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है शुरू से ही, और मैं पूर्व सैनिक भी हूँ और मैंने अपना जी हाँ, तो आज हम जिला न्यायालय आए हैं, यहाँ पे हमने न्यायालय में मानहानि का जो दावा पेश किया है रामचंद्र दांगी जी के खिलाफ, और वो अभी रजिस्टर्ड भी हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा और जो भी आपराधिक। हाँ जी, मैं अनिल नामदेव, क्राइस्ट कॉलेज और भारतीय अमृत पार्टी का लीगल एडवाइज़र हूँ। डॉक्टर सुशील प्रसाद मेरे क्लाइंट हैं और इनके साथ जो 20/4/2023 को घटना हुई है, MLA रामचंद्र दांगी, SDM, तहसीलदार, इन्होंने इन्हें शांति समिति की बैठक में बुलाया। जैसा कि ज्ञात हो कि शांति समिति की बैठक दो समुदायों के बीच ईद और अक्षय तृतीया पर जो आयोजित की गई थी, उसका उद्देश्य दो पक्षों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए की गई थी कि जिससे कि कोई दंगे फसाद शहर में ना हो। पर इसमें मेरे क्लाइंट डॉक्टर सुशील प्रसाद, जो कि भारतीय अमृत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें एकाएक बुलाया गया बिना कोई दस्तावेज के, उनके साथ जो है गाली गलौज की गई, शांति भंग तो वहां हुई जहां पर उन्होंने शांति समिति की बैठक बुलाई थी,
और वहां पर इनके साथ अपशब्द कहे गए। इसके दूसरे ही दिन इनकी संस्था जो कि मैं जिनका मैं लीगल एडवाइजर भी हूं, क्राइस्ट कॉलेज जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करती है 2007 से इस क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रही है शिक्षा के क्षेत्र में, वहां पर दारू की बोतल फेंकी गई, अशांति कायम करने का इन्होंने काम किया है। तो इस संबंध में चूंकि राजधानी में एक ही न्यायालय होता है जहां पर एमपी एमएलए के प्रकरण दर्ज होते हैं जो कि भोपाल न्यायालय है, आज यहां पर प्रकरण दर्ज किया गया है और मैं अपने क्लाइंट को इस केस को रजिस्टर्ड भी करा रहा हूं और इन्हें मैं न्याय भी दिलाऊंगा। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।